बेबाक अंदाज, बेखौफ जुबान, मेवात आज तक, सबसे आगे सबसे तेज। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बिसरूर, आप देख रहे हो मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मेवात में आज भयानक आंधी तूफान और बरसात आई है। दोस्तों इस भयानक तूफान में एक ऐसा हादसा सामने आया है जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों वो सनसनीखेज खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। मेवात के नाटोली और फरदड़ी गाँव के बीच में कई गाड़ियां खड़ी हुई थी, जिस तरीके से ट्रक ड्राइवर अपनी गाड़ियों के लेके ईद मानने के लिए त्यौहार पर आए हैं और उनकी गाड़ियां रोड पर कतार में खड़ी थी, लेकिन इस भयानक आंधी में जहां पेड़ टूटे, खम्भे टूटे, बिजली के तार कटे और कच्चे मकान के, वही एक इतना बड़ा हादसा देखने को मिला है जिसके बारे में किसी को यकीन भी नहीं हो पाएगा, लेकिन आप आंखों से देख रहे हैं। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें LP मौजूद है, ट्रक मौजूद है और हाईवे मौजूद है जो कि रोड से उड़े हैं और खेतों में कई मीटर दूर दूर जाके गिरे हैं। दोस्तों ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि रोड से उड़कर, जो कि रोड से आंधी ने ऊपर उठा करके खेतों में जाके गिराए हैं। ये एक भयानक रूप था आंधी ने, ये एक भयानक रूप धारण किया था आंधी ने, और ऐसा पहली बार मेवात में देखने को मिला है जब कई हजार टन वजन की गाड़ियाँ भी इस हवा में ऐसे उड़ी हैं जैसे कोई रुई उड़ जाए। कल मैं हूँ अरशद बिसरूर, आप देख रहे हो मेवात आज तक। दोस्तों हम पहुंचे हैं आज फरदड़ी और नाटोली गांव के बीच में, यहां पर जो अभी अभी बरसात आंधी और तूफान आया था उसमें इतना भयंकर तूफान यहां आया है कि जो कई हज़ार टन वजन की जो गाड़ी होती है हाईवे और जो ट्रक जिनको बोलते हैं, वो आंधी के झोंका से उड़ करके खेतों में जा गिरे हैं। तो यहां पर कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं आखिर किस तरीके से यह हादसा हुआ था। सर बहुत बहुत स्वागत है मेवात आज तक में आपका। किस तरीके से ये जो गाड़ी पलटी है, बारिश से पलटी है? चलिए, ये जो गांव है नाटोली, ये बहुत ही अनपढ़ और पिछड़ा हुआ गांव है। ये कैमरे के सामने आने से कतरा रहे हैं, बल्कि मैं ही बता रहा हूँ कि यहाँ आंधी के झोंके से ये गाड़ी रोड से उड़कर खेतों में जा गिरी है। हादसा बहुत भयानक था, लेकिन फिलहाल शुक्र इस बात का है कि कोई इंसान की जान तक नहीं गई है और गाड़ी में काफ़ी तूफान से गिरे हैं, बारिश के से। बारिश के कितना टन वजन होता है इस गाड़ी के अंदर? बहुत बड़ी गाड़ी अभी ना अंदाज हो गई है जो डले वाला। और किस तरीके से गाड़ी आपकी पलटी है? सर आंधी आई थी तगड़ी जी, उससे पलटी। घनी तगड़ी आंधी थी। नहीं, अब से पहले तो हमने सुना है कि पेड़ टूट जाते हैं, खम्भे तार और बोने वगैरह उड़ जाते हैं। हाँ, उनकी झोंपड़ी वगैरह गिर जाती है, लेकिन इतना भारी भरकम जो गाड़ी है LP हाईवे के, मतलब ये कैसे संभव लगता है कि आंधी से उड़ा सकते हैं? कैसे उड़ी है सर? ये तो तगड़ी आंधी आई थी, गिर गई। अपन दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।